कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गूगल साइन इन विथ फायरबेस। तो रैक नेटिव के अंदर फायरबेस का यूज़ करके हम कैसे गूगल साइन इन लाइक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसा एक डेमो दिखाता हूँ। इस तरीके से जब भी हम गूगल साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ईमेल आईडीज़ हैं जो लाइक मेरी हैं। इन ईमेल आईडीज़ में से कोई भी एक सेलेक्ट करूँगा, तो उसके बेस पे जब भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने कंसोल में दिखा रखा है कि क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। तो जब भी मैंने उस पर क्लिक करा तो ये डेटा, एक बार फिर से देखते हैं, मैंने गूगल साइन इन पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो ये नया डेटा आ गया, ठीक है। इस डेटा के अंदर जो ईमेल आईडी लाइक मेरी जो भी फ़ोटो है ईमेल पे सेट, वो आ रहा है, नाम आ रहा है, ठीक है, नेम में टोटल नेम भी आ रहा है, मतलब फुल नेम जो भी है, और एपीआईज वगैरह जो भी डेटा है, सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी इजी स्टेप्स के साथ होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं काफ़ी इजी स्टेप्स के साथ एक गूगल लाइक साइन इन समझाने वाला हूँ। काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, और अगर आपने पहले से गूगल साइन इन का लग के कुछ सेटअप, नेटिव सेटअप, जैसे कि हमारा जो प्ले सर्विसेज वाली नेटिव डिपेंडेंसीज वगैरह डाल रखी हैं, तो ये सिर्फ आपका 2 मिनट का लाइक सेटअप होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होता है, अगर आपने पहले से फायरबेस इंस्टॉल कर रखा है ऐप के अंदर, ठीक है, और लाइक मैंने जैसे लास्ट वीडियोस के अंदर बताया, मैंने पुश नोटिफिकेशन बताया है, फेसबुक का भी बताया है, ठीक है, ईमेल और ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो ऑलरेडी आपके में सब कुछ सेटअप हो रखा है, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जो इसकी गूगल साइन इन की ये वाली जो लाइक एनपीएम पैकेज है, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको नेटिव में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, नेटिव में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो इसका नेटिव का सेटअप है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमें चाहिए होता है क्लास पाथ, ये गूगल सर्विसेज जेएमएस की फाइल, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डाल रखी है, क्योंकि जब भी हम प्ले सर्विसेज लाइक जब भी हम फायरबेस का सेटअप करते हैं, तो हम जब गूगल जो सर्विसेज डॉट जेसोन की फाइल डालते हैं, तो हम ये वाली ऑलरेडी क्लास पाथ डालते हैं, ठीक है, और अप्लाई ये वाली क्या नाम है, हम ऑलरेडी ये वाली अप्लाई प्लगइन वाली हम डालते हैं, तो ये तो ऑलरेडी हो ही रखा है, ये तो मैंने बता ही दिया लास्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। अगर ये हो रखा है तो आगे हमें कुछ करना ही नहीं है खास, है ना। बाकी एक दो चीज़ें और थी, बट कुल मिला के यही सेटअप है। उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब मैंने जो बताया कि इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है इस गूगल साइन इन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ये वाला, ठीक है, मैबिन लाइक मैबिन हो गया, ये जे सेंटर हो गया, मैबिन लोकल हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, ऑलरेडी जब हमने फायरबेस का सेटअप किया था ये सारी चीज़ें डाली। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए दोबारा से, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सेटअप ऑलरेडी हो रखा है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस लाइब्रेरी के साथ, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी आप उठाओ यार्न और एनपीएम की हेल्प से, जो भी आपको यूज़ करना है, ठीक है, उससे आप इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, यहाँ यहीं पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही की थी इंस्टॉल, और इंस्टॉल कर ली है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें कहाँ जाना है, सबसे दूसरा स्टेप जो है हमारा फायरबेस कंसोल पे जाना है, ठीक है। फायरबेस कंसोल में जो आपका ऐप है, जहाँ ऑथराइजेशन की लिस्ट है, वहाँ साइन इन मेथड्स में जाके गूगल वाला जो है उसे इनेबल करना है। कुछ खास नहीं करना है, बस गूगल वाले पे क्लिक करना है और उसको इनेबल पे क्लिक करना है और इनेबल कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी आपकी क्लाइंट आईडी वगैरह सब कुछ उस सर्विसेज जो जेसॉन फाइल उसके अंदर है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है भाई लोग। अगर हमने पीछे ये कर रखी है ना सारी चीज़ें, तो हमें ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब सेटअप कर रखा है। यहाँ से इनेबल करने के बाद हमें कहाँ जाना है, सिर्फ इस वाली लाइब्रेरी के अंदर आना है। ये हमने इंस्टॉल कर लिया, हम चलते हैं कोड की तरफ। अब मान लो, ठीक है, मैं सारा कोड हटा देता हूँ फिलहाल, और मैंने सिर्फ क्या बना रखा है अभी के लिए, मैंने सिर्फ एक बना रखा है बटन, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, आपके सामने ही करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी, ठीक, और मैंने कर दिया सेव। अभी देख रहे हो, जैसे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ, कहाँ है ये था, ठीक है। तो यहाँ देखो, अभी जो गूगल साइन इन का मैंने एक नॉर्मल सा बटन बना रखा है, इस पर कुछ नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो, क्लिक
क्लिक कर रहा हूँ, नॉर्मल सा बटन है ये देखो, टचेबल ओपेसिटी बना रखी है मैंने, कुछ नहीं हो रखा। तो अभी जो उससे पहले वाला सेटअप था वो ऑलरेडी हो चुका है, मैं उसको दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपने अगर नहीं देखा तो पुराना वीडियो जरूर देखो। उसके अंदर हमने फायरबेस का सेटअप किया है, फायरबेस के सेटअप के टाइम पे हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, क्योंकि उनके बिना फायरबेस का सेटअप चलता ही नहीं है। जैसे गूगल जेसन सर्विसेज हो गई, ठीक है, उसका प्लगइन हो गया, ठीक है, और जो क्लास पाथ हो गया, इनके बिना चलेगी ही नहीं, तो वो चीज़ हमने पहले ही डाल रखी है। अब बात करते हैं कि जब हमने ऐसा बटन बना लिया, हमें कोड कहाँ से आगे करना है, ठीक है। तो हम आते हैं इस लाइब्रेरी पे जहाँ पे इन्होंने दे रखा है सारी चीज़ें, इम्पोर्ट गूगल साइन इन, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन, गूगल साइन इन के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोड जो है इजी इन्होंने दे रखा है, ये साइन इन करके इन्होंने मेथड बना रखा है, इसके अंदर गूगल साइन इन ये वाला इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हैज प्ले सर्विसेज, ये चेक कर रहा है प्ले सर्विसेज फ़ोन के अंदर है कि नहीं, अगर नहीं होंगी ना तो यहाँ पे ये वाला है ना, प्ले सर्विसेज नॉट अवेलेबल, ये वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर अदरवाइज ये वाला कोड चलेगा और यहाँ से यूजर इन्फो निकलेगी, यूजर इन्फो निकलेगी और सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कोड उठाते हैं, ठीक, पुराना कोड जो मेरा है वो मैं करता हूँ उसको हटा देता हूँ उसको, जिससे डबल डबल लाइक देखते हैं, हटा दिया मैंने सारे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक मेथड यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, जैसा था वैसा ही एग्जिस्ट कॉपी किया मैंने, कुछ नया नहीं किया, बस क्या करने वाला हूँ अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करूँगा। कॉन्स्ट साइन इन करके मैंने मेथड बनाया, और यहाँ देखो दिस डॉट सेट स्टेट ले रखा है, जबकि हमको यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ हमने नॉर्मल सी लाइक फंक्शन कंपोनेंट ले रखा है, तो दिस डॉट स्टेट तो यहाँ काम करेगा नहीं। अब बात करते हैं प्रोफाइल इमेज है ना, तो प्रोफाइल इमेज की बात करते हैं, तो यहाँ देखो जब भी ये साइन इन होगा ना, तो यहाँ कंसोल यहाँ पे यूजर इन्फो में, यूजर इन्फो जो है गूगल साइन इन डॉट साइन इन जब करेंगे, तो यहाँ इन्फो के अंदर हमें डिटेल मिल जाएंगे, है ना। तो मैं इस पे यूजर इन्फो को कराता हूँ प्रिंट, ठीक है, और इस मेथड को जो साइन इन वाला है इसको मैं इस बटन पे कॉल कराता हूँ, ओके, साइन इन, बस इतना करना था। अब देखो जब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से एक सेकेंड क्या हूँ कि पहले से एक बार लॉगिन होकर तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोड और डालना पड़ेगा, एक लाइन का कोड है, ज़्यादा नहीं, अवेट, ओके, गूगल साइन इन, अगर पहले से बंदा है साइन इन तो क्या करना होगा, साइन आउट, ये बस ये कॉल करना है। अब इससे क्या होगा, हर बार साइन आउट हो जाएगा बंदा पहले, फिर उसके बाद साइन इन वाला मेथड कॉल होगा। इसे सेव कर लिया मैंने, क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखो खुल गया, क्योंकि उसने पहले से साइन इन था तो उसने पहले साइन आउट कर दिया, साइन आउट के बाद अब दोबारा से साइन इन का ऑप्शन उसने दे दिया यहाँ से, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यूज़र इन्फो आ जाएगी, यहाँ देखेंगे हम कहाँ है इसका वाला, ये वाला है ना, तो यूज़र इन्फो यहाँ आ गई, ठीक है, ये वाला। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं यूजर इन्फो, ठीक, और ऐसे करके अब मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ ना, तो इसको हम एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से फिर ओपन करूँगा, और गौरव इस मिल के लिए यूज़र इन्फो, ठीक है, ये डेटा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो अभी तक कुछ हमें मेरे हिसाब से पता नहीं, पहले वेब क्लाइंट लाइक क्लाइंट आईडी वगैरह यूज़ करते हैं तो दिक्कत आती थी, ठीक है। अब मैंने बिना ये चीज़ देख रहे हो आप, बिना लाइक उसके कॉन्फ़िगरेशन के चल रहा है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के चल रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, अपना जैसे कि प्रोडक्शन में ले जाते हैं ना, ऐप को प्रोडक्शन में ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट में यहाँ पे इनका एक कोड दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन का, है ना, ये कॉन्फ़िगर, तो ये वाला कोड उठा के हम इसके यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज़ करो, और इस यूज इफेक्ट में जब भी ऐप रन होगा उस टाइम पे ये हमें कॉल कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके भी चल रहा है, देखो मैंने अभी हटा दिया फिर भी चल रहा था, तो अब इस तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको मैंने करा सेव, और फिर से एक बार देखते हैं इसको रन करके, इसको रन क्लिक करा और इसका वो खोल लेते हैं, है ना, ये मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, फिर से आ गए। अब बात करते हैं इसमें जो इमेज आ रहा है ना, वो फोटो है, फोटो, तो जो भी यूजर इन्फो आ रही है ना उसको सेट कर देते हैं, सेट प्रोफाइल इमेज, और प्रोफाइल इमेज में यूजर इन्फो डॉट फोटो, ठीक। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब एक बार फिर से मैं करता हूँ लॉग इन, और इस पर जो भी फोटो आएगा मेरा वो फोटो यहाँ
दिखना चाहिए। क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है फोटो को लोड होने में। एक बार उस यूआरएल को हम ओपन करके देखते हैं, है ना। तो इस यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने कर दिया पेस्ट। देखो ये फ़ोटो है, तो ये काफ़ी मेरे को लगता है एचडी में फ़ोटो है, तो इसकी लाइक जो है साइज़ वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा लोड जो है वो स्लो हो रहा है ना। बट कुल मिला के यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल आ रही है, जैसे नेम वगैरह भी आ रहा है और फ़ोटो भी आ रही है। तो हमें सिर्फ भाई लोग इतना करना था, जिससे देखो गूगल गूगल की सारी डिटेल हमें मिल रही है यहाँ पे। देखो ईमेल आईडी भी मिल रही है, ईमेल भी मिल रहा है और फैमिली नेम भी मिल रहा है। देखो जो मैंने डाल रखा है गूगल डिटेल में, सारी चीज़ें मिल रही हैं ना। तो कुल मिला के हमें सारी डिटेल यहाँ मिल रही हैं, तो हमें इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा करना नहीं था, जैसे आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम वगैरह, और अगर आप बोलो तो मैं नेम भी वगैरह भी दिखा देता हूँ एक बार करके। बट कुल मिला के मुझे इतना ही कोड यूज़ करना था। अगर जब मेरा फायरबेस को अच्छे से सेटअप कर लिया, गूगल सर्विसेज की अच्छे से सेटिंग कर दी, सब कुछ सब सेटअप कर लिया, तो फिर उसके बाद ये सिर्फ 2 मिनट का कोड रह गया था, ठीक है। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस को देखा है, तो वो चीज़ फॉलो करने के बाद अब ये फॉलो करके देखो, आपको जस्ट चुटकियों में ये होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक ठोको। क्योंकि मेरे हिसाब से ना, जितना भी फेसबुक या गूगल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जहाँ भी हम देखते हैं तो ये थोड़ी सी टफ़ लगती हैं चीज़ें। गूगल साइन इन की डिमांड सबकी रहती है, पर वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। बट मैंने आज इसको ऐसे ट्राई करके देखा, ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ये मैं रियल डिवाइस पर चला रहा हूँ, इमुलेटर पर नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, गूगल साइन इन जो है ये gmail@gmail.com पर ही चलेगा, जो अदर डोमेन नेम है उस पर ये नहीं काम करेगा, क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।